पूरा देश को तो बेच दिया, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, डिफेंस बेचा, कोल बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा। आप जब से आए हैं 14 के बाद से HEC क्यों मरणासन्न स्थिति में, UCL क्यों नहीं चालू हुआ? ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। जैसे ही QR कोड देखा बोले आ गया बेटा 15 लाख। तेरी पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, तो वहीं जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं आज भाजपा का संकल्प पत्र जो है जारी हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है। वहीं संकल्प पत्र जारी होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। और वहीं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार से हिसाब मांगा है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसका जवाब मांगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में और जो केंद्रीय महासचिव है और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सीधा हमला बोला है। और भाजपा के संकल्प पत्र को उन्होंने कहा है कि ये संकल्प पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र है। तो क्या कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, हम आपको सुनाते हैं। आपने एस येदुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया, आपने बोमई को PCM बना दिया, नारायण राणे छोड़ दीजिए बाहर की बातें, कमलेश सिंह को किसने आप अपने साथ लिया, मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया, भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया, कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर, किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू जवाब दीजिए, 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है, 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। NRC आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में UCC लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं NRC UCC यहां लागू होगा, किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए, नहीं लगेगा। सभी झारखंडी, ये इतने दीवाले हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटनागपुर का 2/3 आबादी क्योंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा, यहां CGL रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है, अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में
17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ, आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो, हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपये देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है 750 रुपये देते हैं, 36 में आप 350 रुपया देते हैं, यहां आप 2100 का बात करते हैं। नया नया शब्द इजार होगा, यहां हम देख रहे थे फूलो जानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो जानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है, उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है, हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फुले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फुले से आपको क्यों नफरत है? क्योंकि सावित्री बाई फुले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा, चूंकि वो दलित थी उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू आपको तकलीफ हो गया, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए, ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। कि बात करने में फेल हो जाते हैं तो 3 तलाक का मुद्दा छेड़ देते हैं। आप जब रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते तब क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, नो रोटी नो कपड़ा नो मकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही खेल यहां खेलना चाहते हैं ना। कौन यहां का कॉरपोरेट, आपका कॉरपोरेट यहां का जमीन दिलवाया, यहां का पानी दिलवाया, यहां का कोयला दिलवाया, यहां का श्रम दिलवाया और बांग्लादेश में घुसपैठ किया? आप जब से आए हैं 14 के बाद से HEC क्यों मरणासन्न स्थिति में, UCL क्यों नहीं चालू हुआ? आप बताइए, हमारा पैसा रोककर बोलता पैसा देने से लूट लेगा, पूरा देश को तो बेच दिया। पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, डिफेंस बेचा, कोल बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा, केवल 2-3-4 परिवारों को। आप यहां पर आए, आपके नेता लोग सरनाधन कोर्ट पर बात करते हैं, चंपई सोरेन जी बात करते हैं, बाबूलाल जी नहीं करेंगे।
चंपई सोरेन जी बात करेंगे हो भाषा की, आप नहीं करेंगे। आप देखिए ना यहां पर पूरे किताब में मोदी जी ही छाए, चुनाव झारखंड का हो रहा। हमको बड़ा उत्सुकता हुआ, एक वादा और हुआ था 2000 के पहले, 15 लाख रुपया देंगे, हुआ था ना। जैसे ही QR कोड देखा बोले आ गया बेटा 15 लाख। स्कैन किए थे हम तो एकदम, इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने। हमने आप कौन रोक सकता है 15 लाख, जो वादा करता है भाग का पूरा करता है। देखो QR कोड बना कर दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो, क्या लिखा है उसमें मैनिफेस्टो, लाइन शॉर्ट बेटा, ये भी ठग गया। तो ये पूरा पत्र झूठ लूट और ठग पत्र, इसका QR कोड एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने। हमने आप कौन रोक सकता है 15 लाख, जो वादा करता है भाग का पूरा करता है। देखो QR कोड बना कर दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो, क्या लिखा है उसमें मैनिफेस्टो, लाइन शॉर्ट बेटा, ये भी ठग गया। तेरी पूरा पत्र झूठ लूट और ठग पत्र। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि जब भाजपा रोजगार देने में फेल है तो वही हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वही सरना धर्म कोड की बात नहीं करती है, ECC के मुद्दे पर चुप है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है भ्रम की स्थिति फैला रही है। तो केंद्रीय महासचिव ने सीधा सीधा आरोप जो है भाजपा पर लगाते हुए आज दिखे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दिनों जो है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मी तेज है तो वहीं वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। रांची से GN भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।